अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए एपिसोड के साथ आपका मेजबान महर शकील शरीफ एडवोकेट हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये नहायत ही मुनफरद टॉपिक है और इसकी क्या हसीयत और वाकियत है मैं आपको बताऊंगा। नाजरीन, बात करेंगे मुख्तियारनामा क्या होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब शेयर किया जाए। इसका मतलब ये है कि किसी को अपनी कानूनी चाराजोई करने का हक देना, किसी को अपने तौर पे सौंपना कि वो आपकी हक की कानूनी चाराजोई करे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात की जाए तो मुख्तारनामा की कितनी किस्में हैं और ये कैसे हो सकता है। तो बात की जाए, मुख्तारनामा एक स्टाम्प पर लिख कर किसी भी शख्स को ये अख्तियार देना कि वो आपकी कानूनी जो चाराजोई हो उसको डील करे। तो इसकी दो अकसाम है जिनमें से मुख्तार खास और मुख्तार आम है। सबसे पहले बात की जाए तो मुख्तार खास की अगर बात की, जो ऐसा इकरारनामा मुआहदा है कि जिसमें एक महदूद हद तक जो है वो अपना काम कर सकते हैं, जो जिस बंदे को आपने अख्तियार सौंपा है वो एक महदूद हद तक आपकी कानूनी चाराजोई कर सकता है। जिसमें अगर किसी तौर पर आपने जमीन की जो मामला डील करने का अख्तियार दिया है तो वो जमीन के कानूनी मामला को डील तो कर सकता है लेकिन इसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुख्तार आम वो मुआहदा है जिसमें से आपका मुनख़तिब बंदा जो है वो तमाम तर जो मामला हैं उनको देख सकता है, उनको डील कर सकता है, बल्कि हर किस्म के मामला कर सकता है जिसमें ज़मीन की खरीदो फरोख्त का मामला भी कर सकता है। तो इसको कैंसिल करवाने का क्या तरीकाकार है और इसको दर्ज करवाने का क्या तरीकाकार? सबसे पहले इसको दर्ज करवाने का तरीकाकार होता है, ये एक जो है स्टाम्प पर जारी होता है जिसको लिखकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके साथ जब ये रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके साथ तमाम ये किसी अदालत, किसी जज या किसी नोटरी पब्लिक से इसको रजिस्टर करवाकर सब रजिस्ट्रार को दर्ज करवाना पड़ता है तो ये काबिले कबूल होगा। अगर ना रजिस्टर्ड करवाया हुआ मुख्तारनामा किसी सूरत भी दुरुस्त साबित ना किया जाएगा। इसके साथ साथ बात कीजिए इसको कैंसिल की कैसे करवाया जा सकता है। तो जो भी शख्स, जो मुख्तारनामा देने वाला शख्स है वो जब चाहे इसको कैंसिल करवा सकता है। वो एक रिटन एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रार को देगा वो उसको कैंसिल करवा देगा। उसके साथ साथ वो एक अखबार में इश्तिहार भी देगा जिससे इसकी मुकम्मल वक़्त ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताऊं कि मुख्तार खास में कोई भी शख्स वो आप उसका आपका जुमा उसके किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से नहीं है, खुदा ना खासा वो कोई जुर्म सरजद कर सकता है तो मुख्तार खास देने वाला शख्स उसका जिम्मेदार ना है। जबकि मुख्तार आम में अगर कोई शख्स क्रिमिनल कार्रवाई या क्रिमिनल काम करता है तो उसका मुख्तारनामा देने वाला शख्स भी उसका जिम्मेदार हो सकता है।